हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के किचन टिप्स में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जैसा कि आपको दिख गया होगा मेरे हाथ में क्या है, धनिया। तो फ्रेंड्स, आप धनियों को लंबे समय तक फ्रिज में कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, कम से कम इवन 1 मंथ तक आप धनियों को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं जो बिल्कुल भी खराब नहीं होता। मैं जर्मनी में यहाँ पर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं महीने में एक बार इंडियन स्टोर जाती हूँ, टर्की स्टोर जाती हूँ, और वहाँ से धनिया बाय करके लेके आती हूँ। तो देखिए, धनिया को मैं ले आई हूँ, उसके बाद मैं इसका रबड़ अलग कर दूंगी। रबड़ अलग करने के बाद इसको मैं जो ये वाला पोर्शन है, इसका डंडी वाला पोर्शन है, सारा कट कर दूंगी, और यहाँ पे धनिया बिल्कुल साफ आता है, बिल्कुल भी खराब नहीं आता। उसके बाद मैंने क्या करा है, धनिया को वॉश कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने वॉश करके रखा है। देखिए, धनिया को मैंने कट कर लिया है, वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद क्या है, धनिया पूरा मेरा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, वही सिंपल सा मेथड, आपको लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर के अंदर इस तरीके से आपको धनिया को रखना है और धनिया को पूरे को ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आप धनिया को फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद आप इसे किसी भी पॉली बैग में, पॉली थन में, या फिर आप ये कोई भी इस तरीके के अगर आपने बैग ले रखे हैं जिसके अंदर आप अपने फ्रूट्स या सब्जियों को रख सकते हैं, इसके अंदर रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से धनिया को रखते हैं फ्रिज के अंदर, तो बिल्कुल भी, मतलब 1 मंथ तक आपका धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं इसी तरीके से अपने धनिया को स्टोर करके रखती हूँ। आप किस तरीके से धनिया को स्टोर करके रखते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, और आपको मेरी किचन टिप्स कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप किसी और किसी आइटम से रिलेटेड किचन टिप्स चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर जरूर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, किचन टिप्स कैसी लगती है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई किचन टिप्स के साथ। बाय बाय।